कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब सही होगे। आज हमारे पास फोर्ड फिएस्टा आई हुई है और हम आज इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल और इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। इसमें हमने पंप, इंजेक्टर और डीजल फिल्टर का काम किया है, जिसमें आप क्यों चेंज किया हमने इसका कारण भी बताएंगे। और पहले हम एक चीज़ बताते हैं आपको कि हमारी गाड़ी जो धुआँ देती है ना, वो किन किन कारणों से धुआँ देती है वो हम आपको बताते हैं आज। सबसे पहली चीज़ जो होती है, कई तरह का धुआँ होता है हमारी गाड़ी के अंदर। जो डीजल गाड़ी होती है, उन डीजल गाड़ियों में कई तरह का धुआँ होता है, जैसे नीला हुआ, सफ़ेद हुआ, वाइट और ब्लैक कलर, बिल्कुल काला। ये तीन तरह का धुआँ होता है जो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग दिक्कतों से होता है। हम उसी के बारे में आज आपको समझाएंगे और बताते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है हमारा, सफ़ेद धुएँ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सफ़ेद धुआँ जो देती है हमारी गाड़ी, वो जब हमारी गाड़ी के रिंग पिस्टन बैठ जाते हैं या इंजन में कोई दिक्कतें परेशानी आ जाती है, और या टर्बो बैठ जाता है, उसकी वजह से हमारी गाड़ी सफ़ेद वाइट धुआँ देती है। और दूसरा जो कारण होता है, दूसरा कारण ये होता है इसका, लीला धुआँ जो देती है, वो लीले कलर के धुएँ के जो कारण होता है, वो सबसे पहला कारण होता है हमारा इंजेक्टर। दूसरा जो कारण होता है, या पंप इसके अंदर ख़राब हो, इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, ठीक है, या ये हमारा डीजल फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर ख़राब हो सकता है, चोक हो सकता है, जिसे कहते हैं चोक हो जाना। ये हमारा फोर्ड फिएस्टा का हाई प्रेशर पंप है। और तीसरा जो होता है, तीसरा कारण ब्लैक जो धुआँ होता है, ब्लैक धुआँ देने का जो सबसे पहला कारण है, वो ये हमारा EGR है। EGR अगर ख़राब हो जाए या कम काम करे, उसकी वजह से भी ब्लैक धुआँ दे सकती है, या इंजन की चेक इंजन लाइट आ सकती है, और या टर्बो बैठ जाए, टर्बो की वजह से भी दे सकती है। और ये यही कारण होते हैं धुआँ देने के, जो अलग अलग तरह के धुआँ होते हैं, जैसे लीले कलर का जो धुआँ होता है वो इंजेक्टर पंप का होता है, जो ब्लैक कलर का धुआँ होता है वो हमारा EGR की वजह से भी हो सकता है, या साइलेंसर के अंदर जम गया हो, वो निकल रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे टर्बो ख़राब हो जाए और वो साइलेंसर के अंदर चला जाए। साइलेंसर के अंदर जाने के बाद वो साइलेंसर चोक हो जाए, वो फिर वो धीरे धीरे गाड़ी गर्म होती रहे और ब्लैकनेस बन जाए साइलेंसर के अंदर, वो धीरे धीरे निकलती है। और जो वाइट कलर होता है वो हमारा रिंग पिस्टन बैठ जाए, बैक कंप्रेसर बन जाए, यही कारण होता है धुआँ देने का। तो आज हमने इसके अंदर जो किया था, तो हम जो बता रहे हैं, हमने इस फोर्ड फिएस्टा में जो चेंज किया है डीजल पंप हमने इसका चेंज किया है, और EGR चेंज किया है, हाई प्रेशर पंप चेंज किया है, और हमने इसके अंदर सस्पेंशन का भी काम किया है। और अब हमने जो गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाने के बाद कस्टमर जो बोल रहे हैं कि भाई मज़ा आ गया, गाड़ी चलाने में मज़ा आ गया, कि मैंने बहुत जगह दिखाई,
कस्टमर बोल रहे, मैंने गाड़ी बहुत सारी जगह दिखाई, कहीं भी ठीक नहीं हुई, पर कबीर मोटर्स पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा हाँ, फोर्ड का स्पेशलिस्ट काम यही होता है। वो बेचारे बड़े परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से वो कम बजट और कम खर्चे में काम किया। आज ये वही फोर्ड फिएस्टा है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, और हमने आपको इसकी सारी डिटेल बता ही दी है। चलो, हम अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो लाल लाल वाला लिखा होता है ना, उस पर उंगली ज़रूर टच कर देना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।